जी राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी शाम का टाइम है, मैंने गायों को दूध दिया है और सोच रही हूँ कि क्या करूँ। कल से क्या 2-3 दिन हो गए थे, फिर से बुखार हो गया था। बाड़ी के मेले को गई थी ना, उससे पहले ही थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। ऐसे ही हो गई थी, पता नहीं गर्मी की वजह से भी होता है ना, जैसे हम ठंडा गर्म पीते हैं, ठंडा ही पीते हैं, ज़्यादा गर्म तो कहाँ पीते हैं, तो उस वजह से ना बहुत दिक्कत हो गई थी। तो आज भी बुखार था, मैंने कपड़े भी धोने थे, फिर मैंने नहीं धोए, मैंने कहा छोड़ो परे, आज नहीं धोऊंगी। नहीं अभी बैठी हूँ, गाय दूध क्या ही, हालांकि शरीर नहीं अलाउड कर रहा है कि करूँ, पर मन कह रहा है कि कुछ कर, कुछ काम कर। और इतनी गर्मी है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। तो चलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और अभी आपसे कुछ बातें भी करनी है थोड़ी सी बाद में। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे इसमें ना बहुत सारी वो हो गई है, घास हो गया है इसमें। अब मैं डर के मारे नींद नहीं रही उनको, अगर मैं नींद थी ना तो फोन आ गया था बीच में। वो देखो शानू जा रहा है दूध देने बाल्टी उठा के। इधर बैठने को तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, इतने माड़े हालात हैं। और देखो शिमला मिर्च वगैरह हमारे। तो अभी सोच रही थी मैं किलू लेके आई, मैंने कहा इसको नींद ही दूँ, क्या करूँ है, ये बिना नींदे भी होनी नहीं है। और अगर फिर पानी चाहिए है ना, अगर पानी नहीं हुआ इसको तो फिर ये सूख सकती है, क्या करें, दोनों उसमें फंसी। आज को कब की हमारे, जबकि मैंने लगाई है ना सब्जी, कब की हो जानी थी अपने। भिंडी में आज फिर बनाई थी मैंने भिंडी, ये देखो थोड़ा बहुत इसको पानी ये करके, क्या हुआ, भिंडी तो कब की हो जानी थी हमारे, फिर क्या करना। क्या कर सकते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता था कभी बारिश ना हो ही जाती थी कम कम ही सही। सर्दियों में तो चलो होता था कि नहीं होती, कितने महीने हो गए इसको जो ढंग की बारिश नहीं हुई। अभी एक दिन हुई थी पीछे, तो वो नहीं थी मतलब ऐसी इस काबिल की। मक्की हमारी बातर होती है ना, ठंडे इलाकों की जो बातर होती है वो जल्दी हो जाती है, उसमें जल्दी हमें फसल बीजनी पड़ती है ताकि आगे हमारे जल्दी खेत खाली हो सके, है ना। ये देखो यहाँ पे ये तो सूख ही गई बेचारी, ये दिखाती हूँ आपको, रुको, ये देखो ये सूख गई है ना, और ये कितनी बड़ी हो गई देखो। क्या करना, बस ऐसे ही चली हूँ। दिन को गोली खाई थी मैंने, मैंने तो मेरा नहीं था कि मैं नींदू, मैं मुझे डर लगता है कि मैं फिर से, पर हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा है ना। ये देखो ये हमारे, इसको हम लोरी बोलते हैं और अपनी भाषा में इसको ये होता है इसका बीज, जो क्लोबर होता है ना ये होता है इसका बीज। ये देखो ये बहुत पन पता है हमारे पानी पुनी वाली जगह पे। चलो मैं नींद लेती हूँ थोड़ी बहुत है ना। तो बस ये वाली शिमला मिर्च मैंने 1, 2, 3, 4, 5 की लाइन है, एक और है पर इसको नींदूंगी नहीं, इसमें पानी नहीं है ना, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, नीचे बिल्कुल कच्ची जड़ है इसकी, अगर नींदी मैंने तो ये सूख भी सकती हैं। तो कल देखती हूँ कैसे इनका क्या करना है, मैं कैसे बैठ जाती हूँ हर कहीं पर। कल यहाँ पर सांप था, यहाँ पर वो पार्ले वाले कुएं पर ना सांप था, तो ये मैंने नहीं दी। कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत सारा घास था इनके बीच में, ये देखो लगने को तैयार है शिमला मिर्च। भगवान बारिश ही कर देते आप तो आपका क्या आ जाता बताओ, है बेचारी ऐसे तो ना मरती। और मैं आपको चीज दिखाती हूँ, एक बैंगन लगा हुआ बेचारा, ये देखो बैंगन लगा हुआ है यहाँ पे, कितने कितने पौधे हैं, छोटे छोटे से पौधे हैं, इसमें क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। नानी के पापा गए हैं आज गांव में, गांव में है आज हमारे समदा में, इनसे लकड़ियां फाड़ रहे हैं, वहां पे शादी है अभी कुछ महीनों बाद ना, तो लकड़ियां फाड़ रहे हैं, तो जाते हैं ना जैसे सारे गांव वाले उस तरह के। नींदने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अभी बिना मतलब ऐसा होता है ना अगर पानी मिलता रहे कंटिन्यू। चूहों ने कुतर दिया शायद इसको, मैंने भर दिया गड्ढे को, डर रहता है सांप सूंप भी आ जाते हैं इनमें ना। देखो
यस सर। गायों को बांध लेती हूँ बाहर। तो चलो, मैं मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि जैसे एक तो सिमरन दीदी है कुकिंग करके, जिनका चैनल है, वो बोलते कि मधु मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तो बिल्कुल दीदी, आपकी नाराज़गी जायज़ है। सोनू दीदी है चंडीगढ़ से, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी बेचारी, वो भी आना चाहते थे। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश करना। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं ये नहीं बोल रही हूँ घर में मैं तो खुश रहती थी, आप लोगों ने देखा होगा ना। और आप बोल रहे थे ना दीदी कि आपसे, आपके घर से तो बहुत दूर है वो। हमारे घर से दूर नहीं है वो, मेरे मायका मेरा इतना दूर कहाँ, 40-45 किलोमीटर तो है दूर। तो वो इतना इतना डर का माहौल बन गया है ना, इतना डर का माहौल बन चुका है हर जगह पे कि कोई भी, जैसे बाहर से जो फेरी वगैरह लगाने वाले होते हैं ना, उनको भी नहीं मानते, ठीक है। और मैं भी बहुत बड़ी गलती करती हूँ, और मैं अब उन, जैसे मैं सबको ले आती थी अंदर, इनका कोई पता नहीं रात को, मतलब ऐसे चोरी वगैरह और क्या पता लगता है ना। तो और जिस जो हुई थी ना डेथ, जो मैंने आप लोगों को बताई थी, वो जो बुजुर्ग थे, जो मास्टरमाइंड था ना इसका, वो उनके घर में काम करता था, और बचपन से उनको, उसको उन्होंने देखा था। देखा था मीन्स कि ऐसा बोल रहे, अम्मा बता रहे थे कि वो अगर सब्जी भी बच जाती थी ना, घर के साथ ही उसका घर था, सब्जी भी बच जाती थी ना, इतना प्यार प्रेम था उनका, तो उसके परिवार को जाके देते थे, ठीक है। और थोड़ी सी मैं और चीज़ें मेरे को पता लगी, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला था कि आपने वीडियो नहीं दिखाई, वैसे हमारे को अलाउड नहीं है, उनका तो हाल ही बहुत कंडीशन ख़राब थी, पर देखूंगी मैं अगर मैं डाल सकी, क्योंकि फिर यूट्यूब उस पर ना वीडियो ही हमारे डिलीट कर देगा, फिर क्या फ़ायदा, ऐसी चीज़ें हम नहीं दिखा सकते। तो थोड़ी सी बातें बता लेती हूँ पहले, फिर मैं आप लोगों की नाराज़गी दूर करती हूँ, ठीक है। तो और इतनी अच्छी गायें, इतने अच्छे थे ना वो, अम्मा बोल रही थी कि हम गए थे उनके घर में 1 साल पहले, हमको ये सोचे कि कहाँ बिठाएं, रोटी बनाई, रोटी खिलाई, हमारे को सारी ज़मीन दिखाई अपनी कि ये हमारी सास की ज़मीन है। और ये योगिता का कमेंट भी आया था कि मेरी भाभी के मम्मी पापा थे वो, और मतलब अभी भी ना वो एक चीज़ डर से, मन से नहीं निकल रही है, तो वो कितना प्यार करते थे उसको। ये देखो, आप एक बात और बताऊँ मैं आप लोगों को, वो उनके एक्चुअली भागवत आया था, जो सुनने में आया उनके भागवत आया था अगले महीने, वो उसी बंदे को लेके जो उनके घर में काम करता था, साथ साथ ही घर वाला था। किस पे भरोसा है, ज़रूरी नहीं है कि बाहर के बंदे एक कुछ ऐसा कर जाते हैं। आस्तीन के जो सांप होते हैं ना, हमेशा नज़दीक, जेलसी हमेशा नज़दीक वालों को होती है, बाहर वाले बहुत खुश होते हैं, कितने लोग आके चले गए हमारे घर पे, मुझे कोई शिकायत नहीं हुई आज तक। मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अभी तो बिल्कुल भी ना आना कुछ टाइम तक, और अगर कोई आया भी तो मैं मतलब बहुत जांच परख के, ठीक है, आप समझ रहे हो इस बात को, तो नाराज़ नहीं होना। देखो, सेफ्टी के पर्पज़ से मुझे बोलना पड़ रहा है, हम सोशल मीडिया पे हमें हर एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है, ठीक है। और फैमिली वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती, वो तो बेचारे दो ही थे घर में, तो पैसे निकलवाने के लिए वो उसको लेके गए थे साथ में, बताओ आप, बेटे की तरह माना, पाला, हर चीज़ दी उसको, और उसी ने डस लिया यार, उसी ने चंद पैसों के लिए, 5-6 लाख कितना की होता है, क्यों भागते हैं पैसे के पीछे आ रहा, बस रोजी रोटी चल रही है ना, बहुत है। और गहने, क्या मेरे को तो गहनों से, मैं अपनी सच्ची बात बताऊँ, लोगों को बहुत शौक होता है गहने पहनने का, बनवाने का, दिखा दिखा के ऐसे ही करने का, मेरे पास भी है, ऐसी बात नहीं है, मुझे शौक ही नहीं है, मैं कभी पहनती नहीं। ये चांदी की डोर, वो भी मेरे को किसी ने कमेंट में बताया था, बहुत से लोगों ने, कि दीदी गला खाली नहीं रखती सुहागन औरतें, तो मैंने ये डाल रखी है चेन, मेरे को इसका भी अड़ा लगता है, ठीक है, मेरा ऐसा है, कहीं शादी ब्याह को जाऊँ वहाँ को नहीं, कुछ नहीं लगाती, ठीक। तो आप बोल रहे हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हर बंदा ये बोलता है, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि हम भी नहीं, हमें भी किसी के अब नहीं इस तरह से ये करना चाहिए, तो प्लीज़ अभी तो, क्योंकि पता क्या है, कल को मान लो कहीं और जगह भी कुछ होता है, मान लो सपोज़ करो आसपास में या किसी,
तो पता क्या हो जाता है बोलने को यार, इनके घर में आते रहते थे जगह जगह से आदमी, ठीक है समझ ना आप इस, मलकीत कौर दीदी समझ गए थे इस बात को, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया था, संगीता वर्मा दीदी हैं और वो भी बहुत अच्छा ये करते हैं इस चीज़ को, मेरे को अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं ये चीज़ बोलनी चाहिए जो आप बोलना चाहते हो। तो आसपास भी कहीं होता बोलने को हो जाएगा कल को, इसके घर में यार, इसके घर में आते थे दुनिया भर से, है ना, एक छोटी सी बात है। सो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल, मुझे चाहे जो मर्जी बोले, घमंडी बोले, कुछ भी बोले, जो मर्जी बोले, देखिए सबसे पहले अपनी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, और ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बाहर के लोग बहुत अच्छे, मुझे बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचना आप, और हमेशा जो धोखा दे जाते हैं ना वो नज़दीक के दे जाते हैं, अपने हमेशा धोखा दे जाते हैं, चाहे गांव के हैं, चाहे आसपास के हैं, चाहे कोई भी है, क्योंकि हमारे हर चीज़ के बारे में उनको पता होता। अगर उस बंदे को वहाँ साथ ना ले गए होते ये करने के लिए, पैसे निकलवाने के लिए, तो क्या वो, उसको पता होता कि इनके पास पैसे हैं, उसने फिर इन दो बंदों को तैयार किया और फिर आज देख लो कुछ भी नहीं है, सब खत्म है। तो ये चीज़ें थी, तो प्लीज़ अभी समझना सिमरन दीदी, आप समझना बात को, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे कमेंट करते हो, बट आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, मिलूँगी मैं, ऐसी बात नहीं है, मिलूँगी, या तो फिर मुझे सोशल मीडिया से ही ये करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर आना, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, हर एक चीज़, हर एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है, जितनी लाइफ इजी आपको जो देखते हैं उनको लगती है ना, उतनी है नहीं, इतने इतने शब्द का, छोटे छोटे शब्द का ध्यान रखना पड़ता है, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं लेनी। मैं क्यों नहीं बोलती, मैं किसी के बारे में बहुत कम बोलती हूँ, हालांकि घर वालों के बारे में थोड़ा बहुत बोल देती हूँ, वो भी उनको पता है, वो देखते हैं वीडियो, तो बोले कि कभी कभी हंसते हैं कि अब तू हमारी वो सच्चाई बोल के राह करेगी, मैंने क्या, नहीं अब नहीं बंद कर दूँ, मैंने क्या लेना है, जो मेरा टाइम था कट गया, अच्छा बुरा जैसा भी था कट गया, अब अच्छा वक्त है ना, तो कहते हैं कि इस अंधेरे के बाद सुबह ज़रूर आती है, बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त हमेशा आता है, फिर आप उस बुरे वक्त को मत पकड़ो, या किसी ने आपके साथ बुरा किया ना उसको भी छोड़ दो, वो चीज़ छोड़ दो, ऊपर बैठा हुआ है ना भगवान, माता रानी है ना हमारी, वो सबका इंसाफ करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं, किसी से कोई दुश्मनी ना लो। मैं यूट्यूब पे भी देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को फालतू की लड़ाइयाँ झगड़े करके बैठे हुए छोटी छोटी चीज़ों के, और फिर घर आके ये कर जाते हैं, तो प्लीज़ समझना इस चीज़ को, बस मैं आपसे ऐसे ही मिल लेती हूँ, और ठीक है, तो चलिए मैं पशुओं को बांधती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता नहीं पाई, कमेंट करके बताना कौन कौन समझ गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और बहुत ही प्यार लोग बहुत प्यारे हो यार, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती, लेकिन मुझे डर होता है आसपास से, समझ रहे हो ना, आपसे मुझे कोई डर नहीं है, दिल के बहुत साफ सुथरे लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे डर होता है अपने यहाँ के जो आसपास के हैं, कहीं का इल्ज़ाम कहीं पे, ठीक है ऐसा नहीं है, अभी जैसे कुछ लोग तो ऐसे ना कि जो मतलब जैसे निर्जा दीदी हो रही हैं, वो अभी दीदी आई थी पीछे, उनको मैं पिछले 4 सालों से जानती हूँ, ठीक है बहुत सारे हैं ऐसे बहुत जिनकी बहुत बहुत ज़्यादा ये है मेरे साथ, पर आगे ना वही बात, फिर दिमाग वहीं पे भटक जाता है यार, उसको वो कितना मानते थे उस बंदे को, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो कहाँ बैठी हुई है पुगी, तो अभी मैं पशुओं को बाहर कर लेती हूँ, मुझे प्यास लगी है, मैं पहले पानी पी के आती हूँ, चप्पलें मेरी बाड़ी को, बाड़ी के मेले को ली थी मैंने पिछले साल, 1 साल हो गया, तो अभी मेरे को बहुत दिख रहा था, मैंने बैंगन भी निंदने थे, मैंने वहाँ पर वो भी निंदने थे, मिर्चे भी, पर ना है भाई अब मेरे से नहीं होता, पशुओं को बाहर बांधती हूँ, गोबर बहुत है उठाने को, वो गोबर भी उठाना पड़ेगा है ना, आवाज़ आज कुछ धीमी सी है मेरी है ना, चलो पशुओं को बांधते हैं बाहर, अम्मा को फ़ोन कर रही थी मैं, अम्मा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए उन्हें कहीं आसपास में घूमने, बस थोड़े दिनों बाद हम ले आएंगे यहाँ को, जो हमारी गाय है ना उनको यहाँ को लेके आएंगे, तो चलिए देखो यहाँ पे इस तरह की जब हमें राशि मिलती है ना काउशेड के लिए, न्यू काउशेड के लिए, मैं बताती हूँ कि मेरे को कितना पैसा आ रखा है,
ये देखो पहले भी बताई थी मैंने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्राम पंचायत घनागढ़ विकासखंड, ये हमारा कार्य। और ये देखो स्वीकृत राशि 1 लाख, देय व्यय राशि 1 लाख, वर्ष 2022-23 में बनी है, 2022-23 में आई हुई थी और 24 में हुआ इसका फाइनेंस। कुल अर्जित दिवस 283 दिन इसको बनाने में लगे, ठीक है। पैसे हैं थोड़े बहुत बचे हैं, बाकी आ ही गए हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं, बाकी शानू पान ले आए तो अच्छा माँ पीना था, थोड़े बहुत बचे हैं, मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगी, थोड़े बहुत ही बचे हैं, वो आ जाएंगे या कुछ लिखने लिखवाने पे भी लगते हैं पैसे, कुछ ऐसे थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, बाकी अभी आए, जब मैंने आपको बताया था ना उसके बाद आए। तो चलिए अभी ना पशुओं को बाहर बांध लेते हैं, और बाहर बांधने के बाद जो है हम गोबर उठाते हैं, गोबर भी बहुत सारा है उठाने को, ठीक है। उंगलियों में दर्द हो जाती है मेरे को, कोई और काम मिल जाता ना। अरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना मेरे, और इंस्टाग्राम को भी कर लेना,